अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। वालेकुम सलाम सर। ओके, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? यस सर। ओके, एक तो आपको थोड़ा सा मैं एट दी स्टार्ट ऑफ द क्लास बता दूं कि क्विज़ है आप लोगों का। आई थिंक 11 बजे ये क्लास के लेक्चर, जब हमारे 2 या 3 सेशन ख़त्म होंगे तो उसके बाद फ़ौरन क्विज़ होगा। और फिर क्विज़ के टॉपिक मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं। गूगल क्लासरूम में मैं चेक कर रहा था, बहुत ज़्यादा ज़्यादा लोग उसमें एनरोल्ड नहीं है। जो लोग एनरोल्ड नहीं है वो एनरोल्ड कर लें, उस पर रजिस्टर कर लें गूगल क्लासरूम में, ताकि क्विज़ आपका मिस ना हो। एनी क्वेश्चन फ्रॉम द लास्ट लेक्चर? इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एथिक्स। एथिक्स को हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज द एथिक्स, और इसमें हमने डिफाइन किया था कि एथिक्स जो है ये दैट इज द ब्रांच ऑफ नॉलेज विच गाइड अस टू हैव अ सॉर्ट ऑफ कंडक्ट फॉर एन इंडिविजुअल और सोसाइटी, एंड इट डील्स विद मॉरल प्रिंसिपल्स गाइडिंग द बिहेवियर। और इन द सिंपल वे इफ यू डिफाइन द एथिक्स, तो इट इंक्लूड्स ऑल द रूल्स एंड द पॉलिसीज एंड द प्रोसीजर्स दैट डिफाइन वट इज राइट एंड वट इज रॉन्ग। सो दैट इज द बेसिक बेस लाइन बिहाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एथिक्स। वाइल डूइंग एनी थिंग वील हैव टू सी वट इज राइट एंड वट इज रॉन्ग। और इसमें हमने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस की थी कि समटाइम्स इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट, टू डिग आउट दैट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। इसकी एग्जांपल्स हमने डिस्कस की थी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई कमेंट हो तो वो शेयर कर सकते हैं आप लोग। जी क्लास। ओके, इसके अलावा जो सेकंड सेकंड लेक्चर मैंने आपको भेजा था, दैट वाज रिलेटेड टू द एनवायरमेंटल, जो एनवायरमेंटल एनालिसिस है, और इसमें भी हमने डिस्कस किया था कि वी एवरी ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स इन द डिफरेंट एनवायरमेंट्स। और ये जो एनवायरमेंट्स होती है, इंटरनल एनवायरमेंट होती है, एक्सटर्नल एनवायरमेंट होती है, और कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट होती है। उसमें वी डिस्कस इन डिटेल द डिफरेंट फोर्सेज विच कैन बी इंक्लूडेड इन द इंटरनल एनवायरमेंट, इन द एक्सटर्नल एनवायरमेंट, एंड ऑल दी अदर सॉर्ट ऑफ एनवायरमेंट्स। तो एथिकल, एक एनवायरमेंट जो एथिकल और सोशल एनवायरमेंट है, दैट इज कंसिडर्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनवायरमेंट। इसको जाहिर हमने थ्रू आउट द सेमेस्टर इसको हमने डिटेल में डिस्कस करना है। और स्पेशली जो मैंने आपको बुक बताई थी, दैट इज अ वेरी गुड बुक, जिसमें हम स्टेक होल्डर मैनेजमेंट अप्रोच को साथ लेकर चलेंगे कि व्हाट इज द स्टेक होल्डर मैनेजमेंट अप्रोच। तो आज वी विल डिस्कस अगेन द एथिक्स, और एनवायरनमेंट को भी थोड़ा सा टच करेंगे, एंड देन वी विल डिस्कस द स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, दैट हाउ इट इज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एथिक्स। वी विल डिस्कस, और इसमें अक्सर चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा रेपिटेशन भी होगी इन द फॉर द प्रीवियस लेक्चर्स, बिजनेस एथिक्स एंड द चेंजिंग एनवायरनमेंट। व्हाट इज द बिजनेस एथिक्स, व्हाई डज इट मैटर, लेवल ऑफ बिजनेस एथिक्स, कुछ चीज़ें इसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 5 मिथ्स अबाउट द बिजनेस एथिक्स, देन व्हाई यूज द एथिकल रीजनिंग इन द बिजनेस, कैन बिजनेस एथिक्स बी टॉट और ट्रेंड। वी विल डिस्कस दीज इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन टू डेज लेक्चर। ओके, बिजनेस एंड गवर्नमेंट्स ऑपरेट इन द चेंजिंग एनवायरमेंट्स लाइक टेक्नोलॉजिकल, लीगल, इकोनॉमिक, सोशल, पोलिटिकल एनवायरमेंट with competing stakeholders and power claims. Now, ये जो environmental analysis का मैंने topic आपको इसमें include किया था, that is a very important topic. जब भी आपने कोई strategy बनानी होती है as far as the your management or your organization is concerned, तो उसमें जो environment का role है, that plays a very important role for that strategy. Therefore, this topic is very important for you people. That is the environmental analysis. एनवायरमेंट को जब हम एनालाइज करते हैं तो उसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि वी विल हैव टू सी दैट एनवायरमेंट की कौन सी फोर्सेस क्विकली चेंज हो रही हैं और कौन सी फोर्सेस स्लोली चेंज हो रही हैं।
यूजुअली टेक्नोलॉजी आप देखें, टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन एनवायरमेंट को हम देखते हैं तो हम इसका कहते हैं कि जो पेस ऑफ चेंज है दैट इज वेरी हाई, क्विकली द टेक्नोलॉजी इज बीइंग चेंजिंग लाइक इंटरनेट एंड दी अदर टेलीकम्युनिकेशन सॉर्ट ऑफ फोर्सेस. तो जितनी ज्यादा एनवायरमेंट जल्दी से चेंज होती है उतना ही ज्यादा द मैनेजर विल हैव टू बी विजिलेंट अबाउट दैट एनवायरमेंट, उसको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ता है. इसके ऑपोजिट कुछ एनवायरमेंट ऐसी होती हैं लाइक सोशल एनवायरमेंट और एथिकल एनवायरमेंट जो बहुत स्लोली चेंज होती हैं. यानी कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम आपको दो लेक्चर दे दें और आप उसके बाद आप सोशल वाइज बड़े अच्छे हो जाएं और एथिकल वाइज बड़े अच्छे हो, ऐसा नहीं होता. समटाइम्स अक्सर हम कल्चर के बारे में कहते हैं कि अगर आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर या किसी कंट्री का कल्चर चेंज करना है तो दैट विल रिक्वायर द डिकेड, एक महीने में या एक साल में कल्चर चेंज नहीं होता. इसी तरह एथिकल एनवायरनमेंट भी जो है दैट इज नॉट बीइंग टॉट इन अ डे और टू, इट विल टेक द टाइम, टाइम चाहिए होता है उस एनवायरनमेंट को चेंज करने के लिए. तो कंपीटिंग स्टेक होल्डर्स और जो इनके पावर क्लेम्स हैं, एवरी स्टेक होल्डर्स हैव द डिफरेंट पावर्स. ठीक है, अभी स्टेक होल्डर्स को हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल. स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, व्हाट आर द स्टेक होल्डर्स? एक होते हैं स्टेक होल्डर्स और एक होते हैं स्टॉक होल्डर्स. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेक होल्डर्स एंड स्टॉक होल्डर्स? एनीवन? जी क्लास, कोई आइडिया स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं? आपने किसी न किसी सब्जेक्ट में पढ़ा होगा इन द लास्ट सेमेस्टर. देखिए स्टेक होल्डर जो होते हैं, कोई भी एनी एंटिटी विच कैन इफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. ठीक है, स्टेक होल्डर कोई भी पर्सन हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को किसी ना किसी तरीके से इफेक्ट करती हो, ऑल दीज आर इंक्लूडेड एज द स्टेक होल्डर्स. फॉर एग्जाम्पल योर एम्प्लॉयज आर द स्टेक होल्डर्स, योर कस्टमर्स आर द स्टेक होल्डर्स, योर बैंक्स आर द स्टेक होल्डर्स, योर गवर्नमेंट इज द स्टेक होल्डर्स. So all the any entity or party or person or organization which can affect your organization in directly or indirectly, उन सबको हम कहते हैं stakeholders. और stockholders वो होते हैं जिनके stocks होते हैं, जिनका share होता है उस organization में, and they are directly taking the profit of that organization. So those are the stockholders. Stockholders is also one of the stakeholders. So stakeholders are the individuals, companies, groups, and nations that cause and respond to the external issues, opportunities and threats. Opportunities and threats, ये भी हमने SWOT analysis, मैंने आपको जो लेक्चर भेजा था उसमें डिटेल में हमने डिस्कस किया हुआ है. SWOT analysis अगेन आपने पहले भी पढ़ा होगा, that is again very important. After जब हम environment को analyze करते हैं तो उसके बाद SWOT करते हैं, अपनी organization की strength को देखते हैं, opportunities को देखते हैं, threats क्या हैं, इन चीज़ों को हम डिटेल में analyze करते हैं. The rate of change and uncertainty in which stakeholders and society must make and manage the business and moral decisions have accelerated due to the impact of internet and information technology. Internet ka role up aap aapko pata hai sabko ke bahut zyada ho gaya. Information technology jo hai uske bagair aajkal koi business karna, koi kuch aur karna, that is not possible. Lekin jaise jaise ye changes aa rahi hain उसमें बहुत से इश्यूज भी आ रहे हैं, लाइक एथिकल इश्यूज भी आ रहे हैं. अब इंटरनेट को अगर हम देखें, इसमें बहुत से इश्यूज होते हैं, एथिकल इश्यूज भी होते हैं, बहुत सी चीज़ें अनएथिकल भी हो रही हैं, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. ओके, इंटरनेट में क्या आपके ख्याल में क्या अनएथिकल की चीज़ें क्या हो रही हैं विद रिस्पेक्ट टू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? सर, पायरेटिंग सबसे बड़ा इशू है इंटरनेट पे. सॉरी सर, पायरेटिंग इज इलीगल. आप चीजें कर लेते हैं, कॉपीराइट अगर करते हैं तो दैट इज अगेन द बिग इशू. जी एनीवन, और क्या इश्यूज हैं? बहुत सी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं आपकी, जो पर्सनल चीज़ें हैं वो आउट हो जाती हैं, वो शेयर हो जाती हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाती है, डैट
ठीक है, तो डेट इज अनएथिकल, और भी बहुत से इश्यूज हैं, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन इसमें जो ग्लोबलाइजेशन है, डेट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। आजकल जो है यू नो क्या हमारी, इसको हम आजकल कहते हैं कि ग्लोबल लेस एनवायरमेंट हो गई है आपकी, सॉरी बॉर्डर लेस एनवायरमेंट होगी, एंड वी आर मूविंग टूवर्ड्स अ सिंगल ग्लोब। अब पूरी की पूरी, अब ये नहीं होता कि एक छोटी मार्केट है या पाकिस्तान में आपकी मार्केट है, ऑल ओवर द ग्लोब इज योर मार्केट। तो ग्लोबलाइजेशन में जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन के बहुत से फायदे भी हैं, लेकिन अगेन इसके बहुत से नुकसान भी हो रहे हैं, और इसके इसके बहुत से फैक्टर्स हैं, इसको भी हम देखेंगे कि हाउ इट इफेक्ट्स दी एथिकल एनवायरमेंट। देन डीरेगुलेशन, डीरेगुलेशन का मतलब होता है कि बाउंड्रीज खत्म हो गई हैं। जिस पहले अगर आपने कोई चीज सप्लाई करनी होती थी, उसके कोटा सिस्टम होता था, एशिया का लहदा या पाकिस्तान का कोटा लहदा होता था, इंडिया का कोटा लहदा होता था, अब वो डीरेगुलेशन हो गई है। अब आप चाहे 100% अगर वो मार्केट कैप्चर कर लेता है चाइना, तो आप उसको कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। देन तो डीरेगुलेशन हैव इट्स ओन इम्पैक्ट। देन मर्जर्स, अभी जो पिछले 10-15 सालों में आपने ट्रेंड देखा होगा कि मुख्तलिफ जो कंपनीज हैं आपस में मर्ज हो रही हैं, ठीक है, एक कंपनी में चेंज हो रही हैं, और नाउ मर्जर जब होता है तो इसमें अगेन और भी बहुत से इश्यूज आते हैं। जब भी किसी दो कंपनी का मर्जर होता है तो उसको हम कहते हैं कि टू कल्चर्स आर बीइंग मर्ज, ठीक है, और दो कल्चर जब आपस में मर्ज होते हैं उसमें बहुत से इश्यूज आते हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत से एथिकल इश्यूज भी आते हैं, तो दैट इज अगेन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। देन वॉर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो है आपने देखा होगा कि वॉर्स हो रही हैं, उसका क्या इम्पैक्ट होता है सोसाइटी पे, क्या इम्पैक्ट होता है, और जिन कंट्रीज के दरमियान वार हो रही है तो उसकी सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट होता है, दैट इज अगेन अ ग्लोबल इशू। तो इसमें जो है ऑल दीज फैक्टर्स आर इम्पोर्टेंट, विच हमें जो है माइक्रो लेवल पे भी और मैक्रो लेवल पे हमें देखना चाहिए उन सब फैक्टर्स को। देन लोकल नेशनल एंड इंटरनेशनल इन्वायरमेंट्स आर इंक्रीजिंगली मूविंग टूवर्ड्स एंड इनटू अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ डायनेमिकली इंटर रिलेटेड इंट्रैक्शंस अमंग द लोकल नेशनल्स रीजनल पॉलिटिक्स इकोनॉमीज रेगुलेशंस टेक्नोलॉजीज डेमोग्राफिक्स एंड इंटरनेशनल लॉ। अब ये जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि डी रेगुलेशन हो रही हैं, और पूरी की पूरी वर्ल्ड जो है एक ग्लोबल ग्लोब में चेंज हो गया। आज से कुछ अर्सा पहले हम कहते थे कि ग्लोबल विलेज बन गया है, फिर हमने इसको कहना शुरू कर दिया कि ग्लोबल रूम है, और आजकल तो हम कहते हैं देयर इज लाइक अ यू नो ग्लोबल पर्सन आ गया। इसका मतलब ये है कि इंटरनेट पे आप जाएं और पूरी दुनिया जो है आपकी मार्केट है, द होल ऑफ द वर्ल्ड इज योर मार्केट। देन डिफरेंट जो आपकी नेशंस हैं, रिलीजियंस हैं, डिफरेंट रीजियंस हैं, दे आर बीइंग आल्सो मर्ज्ड विद ईच अदर, ठीक है, इसमें बहुत से इश्यूज आते हैं, उनको हमें देखेंगे। देन इकोनॉमिक, इसमें इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अगेन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में हमने डिस्कस किया था, इसमें सारी इन्फ्लेशन, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट, आपका जीडीपी क्या है, आपकी इनकम लेवल क्या है आदि। द टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट जो है अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, और इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है कि टेक्नोलॉजिकल और टेलीकम्युनिकेशन एनवायरनमेंट बहुत तेजी से चेंज होती है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था। इसमें जो दो इश्यूज होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, वेन एवर देयर इज अ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, तो आपकी जो है यू कैन ईजिली मेक योर यू नो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है ईजिली लॉन्ग टर्म पॉलिसीज वो बना सकती है। लेकिन अगर आपकी इनस्टेबिलिटी हो लाइक पाकिस्तान, तो आपकी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज फिर नहीं बनती, फिर पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा जो होता है दैट मे बी डिफरेंट फ्रॉम वन पार्टी टू द अदर पार्टी, उसको भी अपने अपने बिजनेस से मैच करना होता है। गवर्नमेंट और के जो अपने गवर्नमेंट की जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, अगेन वो रेगुलेशंस बनाती हैं फॉर द डिफरेंट कंपनीज, फॉर द डिफरेंट इंडस्ट्रीज, दैट प्लेज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लीगल एनवायरनमेंट अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट विच इंक्लूड्स ऑल द रूल्स माइक्रो लेवल पे और मैक्रो लेवल पे आपके सारे इंक्लूड होते हैं। डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, इसमें आपकी जो पॉपुलेशन है और जेंडर क्या है और उनकी एजुकेशन लेवल क्या है, ऑल दीज डेमोग्राफिक्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो एज फार एज दी ऑर्गेनाइजेशन आर कंसर्न एंड द बिजनेसिस आर कंसर्न, आपको ये सारा इन्वायरमेंट जो है इसको थोरली एनालाइज करना पड़ता है। तो इस वजह से एक चैप्टर मैंने इसमें एडिशनल ऐड किया था विच वॉज रिलेटेड टू द एनवायरमेंटल एनालिसिस। एनवायरमेंट की इज इट एनवायरमेंट वाला जो चैप्टर है और वो जो लेक्चर है, इज इज क्लियर टू एवरीवन? अगर उसमें से कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क द क्वेश्चंस।
नो क्वेश्चन? नो सर, नो आपको मैंने वो जो चैप्टर्स भी भेजे थे उसमें से कोई चीज़ पूछनी है? अगर मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था, आपका ये जो स्पेशली जब लाइव सेशन अब हम कर रहे हैं, तो इसमें जो चीज़ आपको ना समझ आया करे उसको नोट डाउन किया करें, मुझसे पूछा करें, ठीक है? क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अगर ये स्टेज पे क्लियर नहीं हो गए आगे फिर आपको प्रॉब्लम्स होगी। डोंट फील शाई इन आस्किंग द क्वेश्चंस। अगर छोटी से छोटी चीज भी आपको क्लियर नहीं है तो आपने पूछना है, मुझसे नहीं बल्कि हर टीचर से क्लियर किया करें चीजें, ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हों। स्टेक होल्डर मैनेजमेंट अप्रोच इज अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द इफेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल फोर्सेज एंड ग्रुप्स ऑन स्पेसिफिक इश्यूज दैट अफेक्ट रियल टाइम स्टेक होल्डर्स एंड देयर वेलफेयर। अब इसमें ये जो मैंने आपको बुक जो रेकमेंड की है इस कोर्स के लिए, इसका जो थ्रू आउट जो डिफरेंट चैप्टर्स हैं दे आर रिलेटेड टू द स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। स्टेक होल्डर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट एथिकल इश्यूज, और जो एनवायरमेंटल फोर्सेस का क्या इफेक्ट होता है ऑन ऑल द स्टेक होल्डर्स, ऑन द सोसाइटी उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, उसका इंडिविजुअल्स पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन पे उनका क्या इफेक्ट हो सकता है। स्टेक होल्डर मैनेजमेंट अप्रोच, स्टेक होल्डर को भी हमने डिफाइन किया, द डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेक होल्डर्स, कुछ आपके प्राइमरी स्टेक होल्डर्स होते हैं, कुछ सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स होते हैं, जिसमें विच प्राइमरी स्टेक होल्डर्स में आपके जो कस्टमर्स हैं दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स, एम्प्लाइज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स, जो सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स हैं उसमें आपके बैंक्स आ जाते हैं, गवर्नमेंट आ जाती है। तो ऑल ऑफ दीज स्टेक होल्डर्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक विद ईच अदर। तो वील हैव टू सी कि ये जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं हाउ दे कैन इफेक्ट योर ऑर्गेनाइजेशन एंड योर हाउ योर ऑर्गेनाइजेशन विल इफेक्ट ऑल ऑफ दीज स्टेक होल्डर्स, उसमें कौन कौन से एथिकल इश्यूज आ सकते हैं, इसको जाहिर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। दिस अप्रोच अटेम्प्ट्स टू इनेबल द इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स टू आर्टिकुलेट कोलैबोरेटिव विन विन स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन। ओके, दो तरह की स्ट्रेटजीज होती हैं, एक होती है विन विन स्ट्रेटजी और एक होती है विन लॉस स्ट्रेटजी। व्हाट इज विन विन स्ट्रेटजी, क्या होती है? Anyone? What is win-win strategy? Okay, इनको शायद हम आगे कोई टॉपिक आए तो उसमें डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। ये स्ट्रेटजी समटाइम्स हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू रिजॉल्व द कंफ्लिक्ट बिटवीन द टू पार्टीज। सपोज के दो पार्टीज हैं, दो स्टेक होल्डर्स हैं, उनमें कन्फ्लिक्ट आ जाता है, और कन्फ्लिक्ट आपको पता आता रहता है एम्प्लॉइज और जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है मैनेजमेंट के दरमियान कन्फ्लिक्ट आ जाता है, किसी बात पर उनका झगड़ा हो जाता है। तो इस किस्म के कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए वी कैन अ मैनेजर अ गुड मैनेजर कैन रिजॉल्व कैन यूज द डिफरेंट स्ट्रेटजीज। उसमें एक स्ट्रेटजी ये होती है विच इज कॉल्ड द विन विन स्ट्रेटजी। विन विन स्ट्रेटजी का मतलब ये होता है हमने कुछ बातें एक पार्टी की मान लेते हैं, कुछ बातें दूसरी पार्टी की मान लेते हैं, यानी किसी को नाराज नहीं करते, इन बिटवीन कोई सोल्यूशन निकाल के ऐसा सोल्यूशन निकालते हैं कि दोनों खुश हो जाते हैं, इसको कहते हैं विन विन स्ट्रेटजी। और एक होती है विन लॉस स्ट्रेटजी। विन लॉस स्ट्रेटजी का मतलब ये होता है कि हम दो जो कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज होती हैं उनको सुनते हैं, उनकी आपस में उनको एग्जामिन करते हैं, और उसके बाद अपना जो रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं या जो डिसीजन लेते हैं वो ये कहते हैं कि वन पार्टी इज राइट द अदर पार्टी इज रॉन्ग। उसको कम्प्लीटली हम डिनाई कर देते हैं उनके पर्सपेक्टिव को, उसको हम कहते हैं विन लॉस स्ट्रेटजी। जी, ये आपको क्लियर हुआ विन विन स्ट्रेटजी क्या होती है और विन लॉस स्ट्रेटजी क्या होती है? यस सर। इसकी मैं आपको एक एग्जाम्पल ना, इस किस्म के इश्यूज जो है एज अ मैनेजर्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग ज़ाहिर फ्यूचर के मैनेजर्स हैं, आपने काम करना है ऑर्गेनाइजेशन में जाके, तो दीज आर द डिफरेंट टैक्टिक्स विच कैन बी यूज्ड बाय द मैनेजर्स इन ऑर्डर टू रिजॉल्व द डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स। सर, आपके ख्याल में कौन सी स्ट्रेटजी है वो बेहतर होगी, विन विन स्ट्रेटजी? ओके, इट डिपेंड्स, वी कैन नॉट से दैट वन स्ट्रेटजी इज राइट। इसके अलावा भी बहुत सी स्ट्रेटजीज होती हैं, अभी तो मैंने आपको दो स्ट्रेटजीज का बताया, but we cannot confidently say that one strategy is right and the other strategy is wrong. That depends on the situation. agar wo jo conflict hai wo is kisam ka hai ki aap samajhte hain ki unka darmiyan ka rasta nikal sakta hai,
तो उसको हम या उसमें से हम विन विन स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ले दे कर हम कॉम्प्रोमाइज करता है थोड़ा, एक पार्टी भी कॉम्प्रोमाइज करती है, दूसरी पार्टी भी कॉम्प्रोमाइज करती है, और हम, लेकिन अगर आप समझते हैं कि एक पार्टी जो है 100% रॉन्ग है और उसको हम, उसका पॉइंट ऑफ व्यू इज नॉट एथिकली और लीगली एक्सेप्टेबल, उसको हम डिनाई करते हैं, ठीक है। तो दैट डिपेंड्स ऑन दी सिचुएशंस। और एक चीज हमेशा याद रखें, जो डिसीजन मेकिंग होती है उसमें सिचुएशन जो होती है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ सिचुएशन में एक तरह की स्ट्रेटेजी हम यूज करते हैं एंड समटाइम्स सिमिलर स्ट्रेटेजी कैन नॉट बी वैलिड फॉर दी अदर सॉर्ट ऑफ सिचुएशंस, ठीक है। तो दैट डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट सिचुएशंस। इसी में आप ओके सर, विन विन स्ट्रेटेजी की एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इसको एक एग्जांपल इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम कॉन्फ्लिक्ट को किसी के से रिजॉल्व करते हैं बाय यूजिंग द डिफरेंट मैनेजरियल टेक्निक्स। जब हम लोग एमबीए कर रहे थे, आई थिंक इट वाज द सेकंड सेमेस्टर, तो एक हमारी यूनिवर्सिटी ने या हमारे डायरेक्टर ने एक नोटिस लगा दिया कि देर विल बी द 50% इंक्रीज इन फीस, 50% आप लोगों की फीस बढ़ गई है सेमेस्टर में। और जब ये नोटिस देखा स्टूडेंट्स ने तो दे वर वेरी हाइपर, ठीक है। वो बहुत मतलब जाहिर है 50% वाज टू मच, तो उन लोगों ने कहा जी हम स्ट्राइक करेंगे, और दे वर वेरी एंग्री, ऑल द स्टूडेंट्स वर वेरी एंग्री, और मिलके सारे सीआरस वगैरह मिलके तो उस डायरेक्टर के पास गए, तो उनको बताया कि ये तो ज्यादती हो रही है हमारे साथ, 50% फीस बढ़ा दी है। अब ये देखें, मैं आपको जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, डायरेक्टर, हाउ द डायरेक्टर विल रिजोल्व दिस इश्यू। आप एक कंफ्लिक्ट क्रिएट हो गया कि स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि एंग्री हैं, दे आर गोइंग टू स्ट्राइक, और वो एंग्री मूड में जा रहे हैं डायरेक्टर के पास, उनको कहते हैं कि सर फीस। अब डायरेक्टर उनसे कह रहे हैं किसने फीस बढ़ाई है, अब उसी के साइंस